हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य। तो गाइस, हमारे आज के इस एपिसोड में हम आपको एक लैब्राडोर और उसके ओनर के साथ हुए एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं कि कोई भी डॉग अपने ओनर को बचाने के लिए, अपने मालिक को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकता है। तो दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि ह्यूमन से ज़्यादा लॉयल डॉग्स होते हैं, और शायद ही डॉग से लॉयल कोई और दूसरा जानवर हो या फिर कोई ह्यूमन हो। इस कहावत का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है मोहाली के डेरा बस्सी इलाके में। यहाँ के SBP हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक लैब्राडोर ने अपने ओनर की जान बचाने के लिए अपनी ही जान कुर्बान कर दी। इस इंसिडेंट में क्या हुआ था, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे कि इस लैब्राडोर ने किस तरीके से अपनी जान देके अपने ओनर की जान बचा ली। तो जसप्रीत बेदी, जो कि इस लैब्राडोर के ओनर थे, वो एक साल पहले SBP हाउसिंग प्रोजेक्ट के बने हुए फ्लैट्स में रहने के लिए आए थे अपनी फैमिली के साथ, और वो अपने साथ एक पेट डॉग भी लाए थे जो कि अब तक एक साल का हो चुका था। तो जसप्रीत बेदी हर रोज की तरह अपने लैब्राडोर डॉग को अपने फ्लैट के आसपास घुमाने के लिए निकले, वॉक कराने के लिए, जो कि वो हर रोज करते आ रहे थे। तो आजकल बारिश का सीजन काफी चल रहा है, तो वहाँ पे आसपास काफी सारी जगहों पे बारिश का पानी इकट्ठा हो चुका था और वहाँ पे गड्ढों में पानी भर चुका था। तो बारिश का पानी जैसे हर जगह पे जमा हो रखा था, तो जब वो घर की तरफ लौट रहे थे तभी उनके डॉग को अचानक से काफी तेज करंट लगता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो अपने डॉग को बचाने जाते हैं कि क्या हुआ, फिर वो भी करंट की चपेट में आ जाते हैं और उनको भी करंट लगने लगता है। बट जैसे तैसे करके उनका जो लैब्राडोर था, उसने अपने ओनर के हाथ को जोर से काटा और उनको उस करंट वाली जगह से दूर कर दिया। उनके ओनर तो निकल गए जसप्रीत जी, लेकिन उनका जो लैब्राडोर था उसकी वहीं पे ही ऑन स्पॉट डेथ हो गई। जसप्रीत जी ने अपने डॉग को बचाने के लिए काफी ट्राई किया, लेकिन बट सैडली उसकी वहीं पे डेथ हो चुकी थी। और वो लैब्राडोर जो था, उसने अपने ओनर को तो बचा लिया लेकिन खुद को नहीं बचा सका। आप सोच सकते हैं कि उस डॉग का माइंड कितनी तेजी से काम कर रहा था उस टाइम। उसको करंट तो लगा, लेकिन उसको ये भी सेंस हुआ कि उसके ओनर को भी करंट लग रहा है। तो जैसे तैसे करके उसने अपने ओनर के हाथ को बाइट किया और उनको साइड किया, लेकिन फिर उसके बाद खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। उसके बाद जसप्रीत जी काफ़ी टाइम तक अपने डॉग को वहाँ पे गले लगा के काफ़ी देर तक रोते रहे, और वहाँ पे जो लोग थे वो भी इस चीज़ को देख के हैरान थे कि उनके डॉग ने अपनी जान दे दी ओनर को बचाने के लिए। जसप्रीत जी ने ये भी मेंशन किया कि वहाँ पे SBP हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास काफ़ी ऐसे वायर्स हैं जो खुले पड़े हुए हैं, और आजकल बारिश का सीज़न चल रहा है तो ये पता करना काफ़ी मुश्किल है कि कहाँ पे तार है कहाँ पे नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि SBP के जो इंचार्ज है, मतलब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी ये गलती है कि उन्होंने ऐसी खुली खुली वायर्स हर जगह पे छोड़ दी है, जिससे यहाँ पे तो एक डॉग की जान गई, लेकिन हो सकता था कि जो बच्चे खेलते हैं उनकी जान चली जाती, या फिर जो लोग आसपास घूमते हैं उनकी भी जान जा सकती थी। आप सोच सकते हैं कि घरों में जो करंट चलता है वो कितना स्ट्रांग होता है, और एक झटके में ही वो क्या कर सकता है। जिन लोगों को कभी लाइफ में एक ज़बरदस्त करंट का झटका लगा होगा, वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो गाइज, ये स्टोरी तो है ही, इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी लॉयल्टी की स्टोरीज है डॉग्स की, जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता, जिनके बारे में हम न्यूज़ में नहीं पढ़ते, जो ये प्रूव करती है कि डॉग्स ही ह्यूमंस के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और ये सबसे ज़्यादा लॉयल होते हैं। अगर आपके पास कोई डॉग है तो आप खुद को एकदम लकी समझिए। तो गाइज, ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को ताकि और लोगों को भी पता चल सके, और नीचे कमेंट करके बताएं अपने थॉट्स। उसी के साथ डॉग से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।